दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 28 फरवरी 2023 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 11 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास के लिए यहाँ पर आवेदन करने का सुनहरा अवसर निकला है। बिना एग्जाम बिना परीक्षा की भी यहाँ पर भर्तियाँ निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 28 फरवरी 2023 की 11 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमा सुरक्षा बल BSF के अंतर्गत ये भर्ती है। कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, 1284 वैकेंसीज है। मेल के लिए 1220 पद है, फीमेल के लिए 64 वैकेंसीज निकली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2023 है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए ₹100 फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, मेडिकल एग्जाम के आधार पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in ऑफिशियल पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकेंड नंबर की जॉब है वो भी BSF में निकली है, वाटर विंग ग्रुप B ग्रुप C की यहाँ पर ये भर्ती है। इसमें SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप यानी के सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल मास्टर, हेड कॉन्स्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप, हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप मशीनिस्ट और कॉन्स्टेबल क्रीव की पोस्ट निकली है। 127 वैकेंसीज है। इसकी भी आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2023 है। सैलरी SI के लिए 35,400 से 1,12,400 है। हेड कॉन्स्टेबल के लिए 25,500 से 81,100 है। कॉन्स्टेबल के लिए 21,700 से 69,100 है। 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट SI जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उनके लिए 22 से 28 वर्ष है। ऑल अदर के लिए हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल के लिए 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। OBC UR EWS के लिए ₹200 फीस है ग्रुप B पोस्ट के लिए और ₹100 फीस है ग्रुप C पोस्ट के लिए। SC ST EXS डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पर अधिग्रहण अधिकारी AO की पोस्ट है, 500 वैकेंसीज है। 22 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 14 मार्च 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 14 मार्च है। एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। सैलरी मेट्रो सिटीज के लिए 5 लाख पर एनम के लिए है, नॉन मेट्रो सिटीज के लिए 4 लाख पर एनम के लिए है। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष है। जनरल OBC EWS के लिए ₹600 फीस है। SC ST PH फीमेल के लिए ₹100 है जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो bankofbaroda.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, बिजली विभाग में भर्ती है। लाइनमैन अप्रेंटिस के लिए 1500 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 27 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 27 मार्च 2023 है। 7,700 सैलरी है। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। PSPCL.in पोर्टल से, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 नंबर की जॉब है वो निकली है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, BMTC परिवहन विभाग के अंतर्गत भर्ती है। फुल टाइम अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 636 वैकेंसीज निकली है।
लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मार्च 2023 है। सैलरी 6000 से 9000 है अलग अलग अप्रेंटिस के लिए। 10वीं ITI डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 16 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट से चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। बेंगलोर जॉब लोकेशन है mybmtc.karnataka.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में। मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर सपोर्ट स्टाफ की पोस्ट है। 560 वैकेंसीज है। 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए 60,000, स्टाफ नर्स के लिए 18,000, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए 14,000, सपोर्ट स्टाफ के लिए 8,500 सैलरी है। 8वीं 12वीं पास, GNM डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 और 50 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई जॉब लोकेशन है chennaicorporation.gov.in पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो निकली है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd की पोस्ट है। 141 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन के स्टार्टिंग डेट 28 फरवरी है। लास्ट डेट 15 मार्च 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 18 मार्च है। सैलरी कोर्ट मैनेजर के लिए 30,000 से 1,10,000 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd के लिए 22,000 से 97,000 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd के लिए 14,000 से 60,500 है। डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट मैनेजर के लिए 25 से 38 वर्ष आयु सीमा है। स्टेनो के लिए 25 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस कोर्ट मैनेजर के लिए ऑल अदर के लिए 500 है। SC/ST के लिए 250 है। स्टेनो के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 300 है। SC/ST के लिए 150 है, जो कि आप चालान या SBI ब्रांच से जमा करा सकते हो। रिटर्न टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, वाइवा वोस टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुवाहाटी असम जॉब लोकेशन है ghconline.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय में क्लर्क की भर्ती है। 157 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 24 फरवरी से चल रहे हैं। लास्ट डेट 17 मार्च 2023 है। सैलरी 5200 से 20,200 है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 1,000 रुपये फीस है। जनरल SC/ST BC ऑफ एरियाज या स्टेट अदर देन पंजाब या हरियाणा और UT चंडीगढ़ के लिए, SC/ST BC ऑफ एरियाज या स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड UT चंडीगढ़ या एक सर्विसमैन या PWD के लिए 750 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। CBT से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है highcourt.chd.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो निकली है नेहरू युवा केंद्र संगठन में। नेशनल यूथ वॉलंटियर की पोस्ट है। वैकेंसी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 9 मार्च है। 5,000 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 29 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहाँ पर इसमें जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा इसमें आपका इंटरव्यू के आधार पर। बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो nyks.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो निकली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग HPSC के अंतर्गत ये भर्ती है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर HDO की पोस्ट है। 63 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 24 फरवरी है। लास्ट डेट 16 मार्च 2023 है। एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। 35,400 से 1,12,400 सैलरी है। डिग्री एग्रीकल्चर से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल या कैटेगरी जॉब अदर स्टेट 1,000 रुपये है। फीमेल मेल और फीमेल कैंडिडेट SC/BCA/BCB ESM ऑफ हरियाणा के लिए 250 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो HPSC.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 11 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकली है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में। कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। 2,730 वैकेंसीज है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो 25 फरवरी थी उसको बढ़ाकर 2 मार्च 2023 कर दिया गया है। 26,300 सैलरी है। डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC के लिए 450 है, OBC NCL के लिए 350, SC/ST के लिए 250, करेक्शन चार्ज 300 है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न और टाइपिंग से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो।
तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 28 फरवरी 2023 मंगलवार की टॉप 11 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।